Hi guys, welcome back to our channel Linky Tutorial. This is me, your Linky, and welcome to another exciting video. So guys, कैसे हो आप सभी? I hope आप सब बहुत बढ़िया होंगे. तो जैसे कि आप लोग को टाइटल पढ़ के पता चल गया, आज मैं आप लोगों का कौन सा वीडियो शेयर करने वाली हूँ. तो आज मैं आप लोगों के साथ छठ पूजा मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ. इस बार के छठ पूजा पे आप किस तरीके से खुद से घर बैठे बिठाए अपना मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो, ये आज मैं आप लोग के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाली हूँ. आप लोग को क्रिएट करने के लिए मैंने under ₹10 के सारे प्रोडक्ट को यूज़ किया है. तो प्रोडक्ट जिसका रेंज जो है वो ₹20 तक चला गया है, बट ओवरऑल जितने भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए वो ₹10 के सारे प्रोडक्ट हैं. और इस मेकअप लुक को मैंने उन्हीं प्रोडक्ट को यूज़ करके अचीव किया है. कम बजट में आप किस तरीके से एक अच्छा खासा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा शेयर किया है. मेकअप इसलिए मैंने क्रिएट किया क्योंकि छठ पूजा है, छठ पूजा में हमें पानी के अंदर जाना ही पड़ता है. तो इसी वजह से मैंने इस मेकअप लुक को क्रिएट किया ताकि जब भी हम पानी में जाएं तो हमारा मेकअप जो है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो. हमारा मेकअप वाटरप्रूफ है या नहीं ये वीडियो में मैं आपको लास्ट में लाइव डेमो दिखाऊंगी. वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब. सब्सक्राइब के बगल में एक छोटा सा बेल बटन है, उसे भी हिट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले वॉच कर सकें. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस, मैंने यहाँ पे जॉय की फ्रूट क्रीम ली है. ये आपको ₹10 में इजिली अपने लोकल मार्केट में मिल जाएगी, ठीक है. ये बहुत ही अच्छी एक फ्रूट क्रीम है. अगर आपकी फेस ऑयली है तो आप इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि इसे यूज़ करने के बाद थोड़ा सा आपके फेस पे स्वेटिंग होता है. अगर आपकी फेस ड्राई है तो यू कैन डेफिनेटली यूज़. ओके, तो मैंने यहाँ पे ये वाली फ्रूट क्रीम को यूज़ किया है. और उसके बाद मैंने अपने लिप्स पे ये ₹5 की इमामी लिप बाम यूज़ किया है. ये बहुत ही अच्छी लिप बाम है, आपके लिप्स को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज रखती है. नेक्स्ट मैंने अपना आईब्रोज़ को फिल इन करने के लिए यहाँ पे ₹10 की आईब्रो पेंसिल ली है. और ये जो कलर है ये ब्लैक कलर है, मैंने ब्लैक कलर लिया है क्योंकि मेरी जो आईब्रोज़ है वो ब्लैक कलर की है. अगर आपके आईब्रोज ब्राउन है तो आप ब्राउन कलर के आईब्रो पेंसिल को यूज़ कर सकते हो, ठीक है. तो मैंने इसे अच्छे से फिल इन कर लिया है और इसे फिल करने के बाद एक स्पूली की हेल्प से उसे अच्छे से कॉम कर लिया है ताकि वो इक्वली स्प्रेड हो जाए. अगर आपके पास स्पूली नहीं है तो आप कॉम की हेल्प से भी अच्छे से कॉम कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट वीको की क्रीम लिया और उससे अपने एजेस को क्लीन कर लिया है. ₹10 में मुझे यही मिला और मेरी जो स्किन टोन है वो डस्की स्किन टोन है, तो मैंने इसलिए इस वीको क्रीम को लिया है. अगर आप फेयर स्किन टोन वाले हो तो आप पॉन्स की क्रीम को ले सकते हो, ठीक है. अगर आप डस्की स्किन टोन वाले हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि डस्की स्किन टोन वाले लोगों को पता नहीं होता कि किस तरीके से मेकअप करना है, कौन कौन से प्रोडक्ट को यूज़ करना है. तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट को यूज़ करना है, ठीक है. तो मैंने सेम क्रीम को पूरे लिड पे फिंगर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. मैंने कोई भी ब्यूटी स्पंज नहीं लिया क्योंकि ये एक क्रीम है, अगर मैं ब्यूटी स्पंज यूज़ करूँगी तो वो अच्छे से ज़्यादा उसे सोक कर लेगा, ठीक है. तो फिंगर की हेल्प से मैंने उसे ब्लेंड किया है ताकि मुझे अच्छा सा एक पिगमेंटेशन मिले. नेक्स्ट मैंने यहाँ पे पॉन्स की पाउडर ली है और उससे अपने पूरे क्रीम को अच्छे से सेट कर लिया ताकि कोई भी क्रीजिंग ना हो, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे ब्रश का हेल्प लिया है. अगर आपके पास में ब्रश नहीं है तो आप कोई भी पफ की हेल्प से यूज़ कर सकते हो. अब हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप. तो आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे ₹50 की बुलेट लिपस्टिक ली है और उसे पहले अपने लीड पे अप्लाई किया है और क्यूबर्ड की हेल्प से उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. क्यूबर्ड आपको इजीली ₹10 में मिल जाएगी, ठीक है. तो मुझे पिगमेंटेशन और चाहिए था तो मैंने फिंगर की हेल्प से उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया, ठीक है. तो आपको जिस तरीके से सूटेबल हो आप उस तरीके से कर सकते हो. नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर का एक पेंसिल लिया है और उसे डायरेक्टली क्रीज पे अप्लाई किया है. उसे ब्लेंड करने के लिए मैंने क्यूबर्ड का यूज़ किया है. क्यूबर्ड से अगर आप ब्लेंड करोगे ना तो बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाएगा और आप आइज़ पे हल्के हल्के हाथों से ही ब्लेंड करना, ठीक है, क्योंकि नाजुक एरिया होती है. अब मैंने यहाँ पर ये ₹20 शिमर लिया है और उसे फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी. बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी लूज़ शिमर है. आप अगर किसी भी अपने लोकल दुकान पे जाके ये वाला दिखाओगे तो आप सेम ले सकते हो. नेक्स्ट मुझे कोई भी ₹10 या ₹20 में आईलाइनर नहीं मिल रहा था तो मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन की आईलाइनर ली है और ये आई थिंक ₹50 में आपको मिल जाएगी. तो मैंने इससे छोटा सा विंग क्रिएट किया है. अब मैं स्टार्ट करूँगी फेस मेकअप. तो फेस मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे दो एलोवेरा जेल लिया है, एक एक्वालॉजिका का और दूसरा जो है पतंजलि का. तो मैंने अभी एक्वालॉजिका का ये जेल यूज़ किया है. बहुत ही अच्छा ये एलोवेरा जेल है. अगर आपने इसका रिव्यू नहीं देखा तो वीडियो मैंने चैनल पर ऑलरेडी पोस्ट कर दिया, आप डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो. बहुत ही ज़्यादा अच्छी ये एलोवेरा जेल है, ठीक है.
तो मैंने इसे अप्लाई करा और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा ग्लो भी आ रहा है आपके फेस पे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे डैजलर की फाउंडेशन लिया है और उसे अपने अच्छे से फेस पे अप्लाई कर ले रही हूँ। अब हम इसे ब्लेंड करने के लिए फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड करेंगे, ठीक है। कोई भी पफ नहीं लेंगे और कोई भी हम यहाँ पे ब्रश यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करेंगे ताकि हमें कवरेज अच्छी मिल जाए, इसी वजह से हम फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करेंगे। और बहुत ही ईजिली ये ब्लेंड हो जा रहा है आपकी स्किन में, आप खुद ही देख पाओगे अगर आप इसे यूज़ करते हो तो। और डस्की स्किन टोन वालों के लिए ये जो फाउंडेशन है बहुत ही बेस्ट है, आप डेफिनेटली इसे ट्राई आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आज का जो मैं आप लोग के साथ मेकअप शेयर कर रही हूँ वो मैं पूरा मेकअप ही हाथों की हेल्प से कर रही हूँ, आप देख सकते हो। कोई भी ज़्यादा मैंने टूल्स यूज़ नहीं किया है। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। अगर आप एक बिगनर हो तो आपके लिए ये वीडियो हेल्प करेगी कि इस बार के छठ पूजा में आप किस तरीके से घर बैठे बिठाए तैयार हो सकते हो। नेक्स्ट मैंने चंदन पाउडर यूज़ किया जो कि पॉन्स की है और उससे अपने फेस को सेट कर लिया है। अगर आपकी फेस ड्राई है तो आप डेफिनेटली इस स्टेप को स्किप कर दीजिए, आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है इस स्टेप को, ठीक है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप थोड़ा सा अपने फेस को सेट कर लेंगे ताकि ज़्यादा ऑयल आपके फेस पे ना आए। तो मैंने इसलिए आपको सिखाने के लिए इस तरीके से पाउडर को यूज़ किया है। अब हम फेस को कर लेंगे कॉन्टोरिंग। तो कॉन्टोरिंग के लिए मैंने यहाँ पर सेम ब्राउन कलर के लिप पेंसिल को लिया है और उसे अच्छे से अपने फेस को कॉन्टोरिंग कर लूँगी। और कॉन्टोरिंग को भी हम किस तरीके से ब्लेंड करेंगे आप देख सकते हो। कॉन्टोरिंग को भी हम फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड करेंगे। तो आप फोरहेड पे देख सकते हो ऊपर की तरफ मैंने ब्लेंड किया, आपको सिंपल से इसी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। आपके पास कोई भी टूल्स नहीं है तो आप इसी तरीके से आप मेकअप कर सकते हो, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, शुरुआत में अगर आप मेकअप सीख रहे हो कर रहे हो तो आपको इसी तरीके से करना है। उसके बाद जब आप यूज्ड टू हो जाओगे तो धीरे धीरे आप मेकअप ब्रश ले सकते हो। तो देखो आप कितनी अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गया है, बिल्कुल भी कोई भी हार्शनेस नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आपको चीक्स पे ऊपर की तरफ में ब्लेंड कर लेना है, आप देख सकते हो जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे आपको करना है। तो आपका जो मेकअप बेस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से टर्न आउट होगा। तो आप इस तरीके से अगर मेकअप करोगे तो बहुत ही फ्लॉलेस लगेगा आपका बेस, ठीक है। नोज़ पे भी आपको सेम इसी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। अगर आपकी नोज़ बिगर है तो आपको इसी तरीके से ब्लेंड कर लेना है जिससे कि आपकी नोज़ जो है वो शार्प दिखेगी, छोटी दिखेगी। अब मैं अपने फेस पे कर रही हूँ हाइलाइटिंग। तो हाइलाइटिंग करने के लिए मैंने सेम वही क्रीम लिया और बहुत हल्का क्रीम लिया है क्योंकि ज़्यादा नहीं लिया, नहीं तो ज़्यादा वाइट वाइट दिखेगा, ठीक है। तो उसे फिंगर की हेल्प से अपने आईज़ के नीचे ब्लेंड कर ली हूँ एज अ कंसीलर, ठीक है। तो ब्लेंड कर लेने के बाद मैं आप देखोगे खुद ही डिफरेंस दोनों आईज़ पे किस तरीके से दिख रहा है। अब मैंने ब्लश के लिए सेम लिपस्टिक को लिया, फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर लिया है। बहुत ही नेचुरल लगता है अगर आप इस तरीके से ब्लश को अप्लाई करते हो किसी लिपस्टिक के साथ में, ठीक है। या फिर आप कोई भी ब्लश को इस तरीके से अप्लाई करोगे तो बहुत ही नेचुरल ग्लैम लुक देता है। और उसके बाद मैंने लोअर वाटर लाइन पर मैंने कोल अप्लाई किया है। मेरे पास कोई भी 10 रुपये की काजल नहीं थी तो मैंने यहाँ पर NYB की कोल यूज़ किया है। बहुत ही ब्यूटीफुल ये NYB की काजल है। अगर आपने नहीं लिया है तो डेफ़िनेटली आप इसे ट्राई आउट कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे लोकल लिपस्टिक अप्लाई की है जो कि मुझे आई थिंक 60 रुपीज़ में मिल गई थी। तो गाइस ये है फाइनल लुक। अगर आप इस बार की छठ पूजा में इस तरीके से मेकअप लुक करते हो तो बहुत ही गॉर्जियस लुक आएगा। मैंने यहाँ पर सिंपल से येल्लो कलर की साड़ी को वेयर किया क्योंकि छठ पूजा है तो हम इस तरीके की साड़ी को ही वेयर करते हैं और ज़्यादा कोई ओवर मेकअप नहीं करते, एकदम सिंपल मेकअप करते हैं। अगर आप नई दुल्हन हो तो आप इस तरीके से सर पर चुनरी डाल सकते हो तो बहुत ही अच्छा एंड सिंपल गॉर्जियस लुक आता है। तो आई होप कि वीडियो आज आप लोग को पसंद आया होगा। ये मेकअप वाटरप्रूफ है या नहीं तो आज मैं अभी आप लोग के साथ लाइव डेमो शेयर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने अपने फेस पे पानी डाला है और ये जो मेकअप है ये एकदम से वाटरप्रूफ है गाइस। तो गाइस आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।